सो हेलो जी स्पेशल, मैं बात करने वाला हूँ कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को किस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पढ़े जिससे हमारा स्कोरिंग पॉइंट और हमारा मार्क्स सबसे ज्यादा इंक्रीज कर पाए, और हमारे अंदर जो डाउट रहता है कि भैया कब पढ़े, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें दिक्कत ना आए, हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, सीधा हम बैठे और पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो उसी के बारे में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि कब कब आपको फिजिक्स पढ़ना है, कब आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, कब मैथमेटिक्स पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कब टेस्ट देना है। सारा शेड्यूलिंग हम इसी वीडियो में कर देंगे, और इसकी पीपीटी जो है आपको वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सम टीम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके आने वाले आपको सारी चीजें मिले, वो भी IITN के थ्रू। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टेबल आपका हमारा क्या है। तो ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइमिंग क्या होती है, तो टाइमिंग मैं बता देता हूँ आपको। टाइमिंग क्या करिए, आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहले में आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स रख लीजिए। फिजिक्स रख लिया मैंने, केमिस्ट्री रख लिया, मैथमेटिक्स रख लिया। मैं क्या करता था अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। 3 कैटेगरी कौन सी है, एक को मॉर्निंग कर लीजिए आप मॉर्निंग, एक को कर लीजिए आप इवनिंग, ठीक है, उसके बाद कर लीजिए आप नाइट। ये मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर ली। अब 3 कैटेगरी डिवाइड तो मैंने कर ली भैया, लेकिन हमें अब टाइम भी तो पता होना चाहिए, ये भी तो बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। मैंने क्या किया, यहाँ से मैं 6 AM को उठा, मैं 4 AM को नहीं उठता, मैं 5 AM को नहीं उठता, मैं 6 को उठा आराम से, बस मस्त एकदम 5 बजे उठा, दौड़ करके एक्सरसाइज करके बैठ गया 6 बजे। 6 बजे 6 AM से लेकर 12 PM तक का जो टाइम था वो मैंने फिजिक्स के लिए निर्धारित कर दिया, यानी कि अडॉप्ट कर दिया। ठीक है, ये तो हुआ अपना ये। फिर जो 12 बजे से लेके 12 PM से लेके 6 PM, 12 PM से लेके 6 PM तक का जो टाइम था मैंने क्या किया, केमिस्ट्री के लिए निर्धारित कर दिया। उसके बाद 6 PM से 12 AM तक, मतलब 3 पार्ट, ये AM है, ठीक है, 3 पार्ट में मैंने टाइम को ब्रेक कर दिया है। 3 पार्ट में मैंने टाइम को ब्रेक कर दिया है, एक 6 AM से 12 PM, 12 PM से 6 PM, एक 6 PM से 12। इसी के ड्यूरेशन के दौरान हमें अपनी स्टडी करना है, इसी के ड्यूरेशन के दौरान हमें पढ़ाई करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, अब हमें प्लानिंग करना है कि हमें लेक्चर कब देखना है, क्योंकि हमें सिलेबस भी करना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो हमें दोनों करना है। तो जब आप 6 AM से लेके 12 PM तक टाइम रखे थे, तो यहाँ पे 6 घंटे था, मान लो इसमें से आप 5 घंटे पढ़ पाते हैं। ठीक है, 5 आवर्स, तो इसमें आप डिवाइड कर लीजिए, मान लो 2 आवर्स लेक्चर का ले लीजिए, तो 3 आवर प्रैक्टिस कर ले लीजिए, 3 आवर्स प्रैक्टिस कर ले लीजिए। अब इसको भी बताऊंगा प्रैक्टिस कहाँ से करना है, लेक्चर कहाँ से देखना है, क्योंकि बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है। अब मान लो आप केमिस्ट्री में ले रहे हैं, तो केमिस्ट्री में 5 आवर्स हैं। ठीक है, 5 आवर्स में मान लो इसमें आप 2 घंटे लेक्चर का ले लिए, और इसमें से 3 आवर्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करने रहते, तो इसमें 3 घंटे लेक्चर कर लिए और 2 घंटे प्रैक्टिस कर लिए। तो ये तो आपका हुआ टाइम ड्यूरेशन, कि आपको कैसे टाइम में बांध लेना है और उसी के दौरान ही पढ़ना है। अगर मान लो आप 6 बजे उठे, 8 बजे उठे और 12 बजे आपका टाइम खत्म हो गया, तो आपको दूसरा सब्जेक्ट उठा ही लेना, वो सब्जेक्ट छोड़ देना, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन था वो यही था, इसके बाहर, इस डोमेन के बाहर आपको नहीं पढ़ना है। मान लो 1 बज गए हैं, तो 1 बजे का ड्यूरेशन आपने केमिस्ट्री के लिए किया था, फिर आप मान लो शाम को 6 बजे पढ़ रहे हैं, तो वो मैथ के लिए है, ऐसे आपको करना है। अब बात कर लेते हैं टेस्ट। तो टेस्ट कैसे देंगे, क्योंकि आपका तो पूरा टाइम डिसाइड हो चुका है, और टेस्ट का जो टाइमिंग होता है वो 9 से 12 होता है। ठीक है, ये मॉर्निंग का टाइम होता है, किसका, मॉर्निंग का टाइम होता है, और आपका 2 से 5 ये इवनिंग का टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है। तो इसी के ड्यूरेशन में आपको टेस्ट देना है। तो जो ये वाला ऊपर वाला आपने डिसाइड किया है, जो ऊपर वाला था, उसमें क्या करिए, TTS रख दीजिए। TTS, TTS क्या होता है भैया, TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इसको आप क्या करिए, लेक्चर प्लस प्रैक्टिस, L+P, लेक्चर प्लस प्रैक्टिस को रख दीजिए। आइए यहाँ पे आप टेस्ट दीजिए, 9 से 12 एक टेस्ट दीजिए 3 घंटे का, और फिर 2 से 5 एक टेस्ट दीजिए। तो ये आपका टेस्ट का भी हो गया भैया, टेस्ट में भी हो गया और लेक्चर का भी हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिवीजन कैसे करते हैं। तो जो आपका ये तो लेक्चर उसका हो गया, अब आपका जो टाइम बच रहा है इधर, जो आपका टाइम भाई है, यानी मंडे बचा आपका, फिर इधर ट्यूजडे हो गया, आपका वेडनेसडे बचा, ठीक है, और फिर आपका फ्राइडे बचा, 3 दिन बचा। इसमें आप क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। और इसमें आप, क्योंकि आपका मान लो एक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका 3 ही आवर्स खर्च हुआ ना,
तो बाकी तो आपके पूरे हावर्स बचे हुए हैं। तो जो लेफ्ट हावर्स है, जो लेफ्ट हावर्स है, उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो लेफ्ट हावर्स में आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे? उसका सोर्स आप शॉर्ट नोट से करिए या फिर आप अपने लॉन्ग नोट से करिए, और साथ में प्रैक्टिस भी करिए। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है, IITN कहता है। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट वीडियो जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक एक करके बता दी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या आपको कुछ पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमें मेंटरशिप की ज़रूरत है, मैं कन्फ्यूज होता हूँ, कन्फ्यूजन मेरे अंदर बहुत है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें, आपको IITN सलाह देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे राधे। इधर लिख देता हूं मैं, क्या? राधे 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 राधे। ठीक है, जय श्री राम।